हैं JSR टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जया हनुतिया। आइए नजर डालते हैं सुपर सेवन खबरों पर। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के भुसावल शहर में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक रविंद्र खरात और उनके परिवार पर अज्ञात बदमाशों ने की गोलीबारी। हमले में हुई रविंद्र खरात सहित परिवार के 5 लोगों की मौत। भारतीय मौसम विभाग ने लगाया पूर्वानुमान, 10 अक्टूबर तक दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में चक्रवाती हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। मध्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दी भारी बारिश की चेतावनी। बारिश के चलते गुजरात के जूनागढ़ में गिरा पुल, कई गाड़ियां नदी में डूबी, जानमाल की नहीं हुई हानि। जूनागढ़ जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूटा। पश्चिम अफ्रीकी के बुर्किना फासो में आतंकियों ने किया सोने की खदान पर हमला। हमले में कम से कम 20 लोगों की मारे जाने की खबर, सुरक्षा सूत्रों की ओर से मिली जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की रिपब्लिक पार्टी के सीनेटर मिट रोमनी के खिलाफ महाभियोग चलाने की अपील। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सोमवार को पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह के चलते शहर के पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लाइनें। जिला प्रशासन ने नागरिकों से किया आह्वान, नहीं करें चिंता, सतत जारी रहेगी डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति। लगातार चौथे दिन आई पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट, 4 दिनों में 72 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल, वहीं 46 पैसे प्रति लीटर तक कम हुए डीजल के दाम। सुपर सेवन खबरों में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए JSR टाइम्स।